दिल्ली के संगम विहार में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। एक लड़के से लड़की का बातचीत करने एक दूसरे लड़के को नापसंद गुजरा और उसने लड़की की जमकर पिटाई कर दी। यही नहीं, उसकी अश्लील तस्वीर खींची और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मतलब मैं अभी बात करने लगी तो इस लड़के को पता चल गया कि ये इससे बात करती है, इसलिए कल मतलब मेरे को धोखे से बुलाया। वहाँ इसने पूछा कुछ भी नहीं, बस मारना स्टार्ट कर दिया। मारता गया, इतना मारा, बहुत ज़्यादा मारा। फिर मेरे से बोला कि अगर तू बोलेगी तो तेरे घर में घुस के तेरे को सबको मारूंगा। दर्द से तड़पती इस लड़की की आप बीती सुनकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। इस लड़की को एक लड़के से सिर्फ बातचीत करने के बदले में ये सजा दी गई है। ये घटना दिल्ली के संगम विहार इलाके की है। पीड़ित के मुताबिक उसने किसी लड़के से बात की थी जो उसके पड़ोस में रहने वाले नूरी नाम के लड़के को पसंद नहीं आई। इस पर नूरी ने उसे घर बुलाया और जमकर मारपीट की। मारपीट के साथ ही उसने लड़की की अश्लील तस्वीरें खींची और उसे परिवार सहित जान से मारने की धमकी भी दी। इतना ही नहीं, आरोपी ने उस लड़के को भी घर बुलाकर जमकर पीटा जिसके साथ लड़की ने बातचीत की थी। मेरे से ही बुलवाया, कहा कि उसे बुला, मैंने उसे बुलाया, इसने उस लड़के को भी बहुत मारा, मेरे भी फोटो खींचे लड़के करके, उसको भी खींचे, कह रहा तुम दोनों में से किसी ने भी बोला तो इंटरनेट पर डाल दूंगा। तो वो हमारा पड़ोस में रहता है, उसका नाम नूर है। वो उसको जबरदस्ती करना चाह रहा था कि हमारी हो जाए, हमारी लड़की उसको जबरदस्ती के अंडर में आई नहीं, तो उसके कब्जे में नहीं है, तब उसने उसको मारा है। लड़की को गंभीर हालत में सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां दो दिनों से उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। अभिषेक के साथ अभिमन्यु शर्मा, इंडिया टीवी, दिल्ली।